नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप प्याज देख रहे हैं और प्याज के दामों में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और कई दिनों बाद प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक या दो रुपए लगातार वैसे बीच बीच में कम भी हो रहे थे, लेकिन साथ में बढ़ भी रहे थे, लेकिन आज प्याज के जो रेट हैं उनमें 5 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली है। जो प्याज कल तक 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था, आज वो प्याज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। राजस्थान के प्याज में गिरावट है क्योंकि लगातार सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त प्याज की आपूर्ति राजस्थान से हो रही है। अलवर का प्याज सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख सकते हैं। सोलन सब्जी मंडी में प्याज के दामों में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और प्याज आज मंडी में 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज के रेट कल 45 रुपए प्रति किलो थे, लेकिन आज दाम गिरकर 40 रुपए प्रति किलो हो गए हैं और प्याज के दामों में लगातार जो राजस्थान से इस वक्त प्याज की आपूर्ति हो रही है उसकी वजह से आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से प्याज की कीमतों में एक ठहराव सा आ गया था और जिस तरह से भाव चले हुए थे तो उससे लग रहा था कि प्याज के जो एक समय प्याज के दामों में थोड़ी गिरावट तेजी के साथ देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला था। पिछले लंबे समय से प्याज के रेटों में थोड़ा ठहराव था, 40-45 रुपए के आसपास ही सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा था, लेकिन अब आज प्याज के जो रेट हैं उनमें 5 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। राजस्थान से प्याज की आपूर्ति हो रही है, सोलन में एक ट्राला प्याज का पहुंचा भी है और उसकी वजह से हो सकता है कि प्याज के दाम आज गिरे हैं क्योंकि हालांकि यदि हम बात करें तो बाजार में प्याज की कीमतें 60-70 रुपए के बीच में अभी भी बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से आज गिरावट देखने को मिली है तो उससे लग रहा है कि बाजार में भी प्याज के रेटों में थोड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही होगी, मिलेगी क्योंकि जो प्याज 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था तो हो सकता है कि आज 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिके, लेकिन इस प्रकार की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बाजार में प्याज की कीमतें क्या होगी ये तो बाजार में जाकर ही पता लगेगा, लेकिन आज सोलन सब्जी मंडी में प्याज के जो रेट हैं उसमें 5 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली है और 45 रुपए के हिसाब से कल बिक रहा प्याज आज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। ऊना से आलू की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त हो रही है और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो ये बोरियों में बंद है, ये ऊना का आलू है और सोलन सब्जी मंडी में लगातार पिछले काफ़ी समय से ऊना के आलू की आपूर्ति हो रही है और आलू के भाव भी आज गिरे हैं, 1 रुपए का गिरावट उसमें देखने को मिली है। 14-15 रुपए प्रति किलो के बीच में यह आलू बिक रहा, कल 16 रुपए था, आज 1 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और जब ऊना का आलू मंडी में पहुंचा था तो 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, जबकि लाहौल स्पीति का आलू 24 रुपए और देहरादून का आलू 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था, लेकिन आज आलू के दाम भी थोड़े गिरे हैं और प्याज के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है। इससे उम्मीद बनी है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद प्याज की कीमतें इस तरह से घटी हैं, 5 रुपए की गिरावट प्याज की कीमतों में देखने को मिली है क्योंकि 1 या 2 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही थी पिछले काफ़ी समय से और बीच में 1-2 रुपए बढ़ भी रहे थे तो ज़्यादा परिवर्तन प्याज की कीमतों में देखने को नहीं मिला था और 47 रुपए पर तो प्याज के रेट काफ़ी दिनों तक बने रहे, लेकिन आज 40 रुपए का तक प्याज पहुंच गया है तो आने वाले दिनों में हो सकता है क्योंकि प्याज की कीमतें थोड़ी कम हो क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश से भी प्याज की आपूर्ति अब शुरू होने वाली है तो उसका भी कहीं ना कहीं असर प्याज की कीमतों पर पड़ेगा, लेकिन अभी राजस्थान से ही प्याज की आपूर्ति हो रही है, नासिक में प्याज की फसल समाप्त हो गई है और यही वजह है कि जो नासिक का प्याज यहाँ पर मंडियों में भी आ रहा था और बाजार में भी पहुँच रहा था तो गोदामों का प्याज था, लेकिन जैसे ही अलवर से प्याज की आपूर्ति शुरू हुई, लाल प्याज है तो लाल प्याज की डिमांड ज़्यादा रहती है और सबसे बड़ी बात है कि यह प्याज ताज़ा भी है क्योंकि खेतों से निकाला हुआ है, किसानों अभी भी राजस्थान में प्याज की फसल तैयार हुई है तो वहाँ से अब प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। प्याज की कीमतें क्या रही है तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बंटी जी हैं और बंटी जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़ रहे हैं, तो बंटी जी पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। कई दिनों बाद आज प्याज के भाव डाउन देखने को मिले हैं तो क्या रेट रहा है और आलू
के क्या भाव है? आलू वो जी हमारे पास उमने वाला आलू वो है 700-750 रुपए कट्टा। अच्छा 14-15 रुपए किलो। ठीक है जी। और ये राजस्थान का अलवर का प्याज ये बिक रहा है जी 40-42 रुपए। अच्छा हाँ जी। तो 40 का रेट है इसका? हाँ जी 40 रुपए। और ये बड़ा ये थोड़ा मोटा है इसमें ये 42 बेच रहे हैं इसको 42। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? अब प्याज आने वाले दिनों में डाउन हो जाएगा जी प्याज। प्याज यही 25-30 रुपए। तो अभी राजस्थान से हो रही आपूर्ति, बाकी और जगह से तो नहीं हो रही? अभी राजस्थान का ही है, पर राजस्थान में बहुत फसल है इसलिए अभी पूरी चल पड़ी है। ठीक है धन्यवाद। और भट्टी जी हैं जो हमें प्याज की कीमतें बता रहे हैं, और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। ये बोरियों में जो बंद है ये 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है, तो कारण इसका बताया जा रहा है कि थोड़ा मोटा है। और ये प्याज जो आप लाल प्याज यहाँ देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा दरमियाना है, ये 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। और मंडी में आज प्याज की आपूर्ति भी काफ़ी अधिक हुई है, और एक ट्रायला भी यहाँ पर प्याज का पहुँचा है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि एक ट्रायला प्याज का सोलन सब्जी मंडी में पहुँचा हुआ है। और अब प्याज को अनलोड भी किया जा रहा है, क्योंकि आज मंडी में काफ़ी मात्रा में हर दुकान के बाहर प्याज के बोरियां दिखाई दे रही है, तो काफ़ी मात्रा में प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं असर आज प्याज की कीमतों पर देखने को मिला है। और मंडी में आज प्याज सोलन सब्जी मंडी में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। प्याज की कीमतों में बड़े दिनों बाद गिरावट देखने को मिली है। एक समय 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा था, क्योंकि उस वक्त राजस्थान का प्याज चलना शुरू नहीं हुआ था, नासिक से प्याज की आपूर्ति हो रही थी, और NCCF के माध्यम से यह प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही थी। और इस दौरान सरकार ने रियायती दरों पर भी प्याज बेचना शुरू किया था, 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो प्याज बेचा जा रहा था, लेकिन वो प्याज सोलन और शिमला में ही बेचा गया, तो इसकी वजह से लोगों में थोड़ी नाराजगी भी रही ग्रामीण क्षेत्रों के और अन्य जिलों में, कि अन्य जिले इससे अछूते रह गए, सस्ते प्याज उन्हें नहीं मिला। और एक व्यक्ति को 4 किलो प्याज दिया जा रहा था, और उससे पहले आधार कार्ड के आधार पर प्याज दिया जा रहा था, तो लोग अपने पूरे परिवार का आधार कार्ड लेकर पहुँच रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को लगा कि स्टोरेज भी हो सकती है प्याज की, तो उसके बाद यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को 4 किलो प्याज ही दिया जाएगा, और जो व्यक्ति वहां पर मौके पर मौजूद होगा उसे ही वो प्याज मिलेगा, उसके लिए आधार कार्ड की भी ज़रूरत नहीं थी। तो रियायती दरों पर जो प्याज बेचा जा रहा था वो अब बंद हो गया है, और लोगों को अब महंगे दामों पर ही बाज़ार में प्याज की खरीदना पड़ेगा। लेकिन बाजार में प्याज की कीमतें 60-70 रुपए के बीच में बनी हुई है, लेकिन आज जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, तो हो सकता है कि बाजार में भी प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिले, और जो प्याज 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है तो उनमें 5 रुपए की गिरावट देखने को मिले। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन सब्जी मंडी की दिखा रहे थे कि किस तरह से सब्जियों के आज भाव रहे हैं। सब्जियों के दामों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, जिस तरह के भाव पिछले कुछ दिनों से चले हुए हैं उसी तरह के चले हुए हैं। हालांकि सब्जियों की आपूर्ति कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो इस तरह की आज गोभी बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आई है, तो गोभी के दाम आज गिरे भी हैं। 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहले गोभी बेची जा रही थी, बाद में जब खरीदार कम हो गए और गोभी बेचने को रह गई, तो 3-4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अब यह गोभी बेची जा रही है। बंद गोभी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बंद गोभी बिक रही है, लेकिन यह गोभी बाहरी राज्यों की है। और विधि चंद शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं। प्रेम जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और प्याज के दामों में आज गिरावट देखने को मिली है, जो हम पहले भी बताया कि 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज प्याज के रेट कम हुए हैं। आलू के दाम भी गिरे हैं, ऊना से आलू की आपूर्ति इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में हो रही है, और ऊना जिला हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन ऊना में हो रहा है, और ऊना को आलू उत्पादक जिले के रूप में जाना जाता है। तो ऊना का आलू सोलन सब्जी मंडी में जब पहुंचा था तो 20 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा था, लेकिन अब दाम गिर रहे हैं, 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज सोलन सब्जी मंडी में आलू का रेट रहा है। प्याज के दामों में आने वाले दिनों में भी गिरावट की संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव गिर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में प्याज की इस बार अच्छी फसल हुई है, और थोड़े दिनों में गुजरात मध्य प्रदेश से भी प्याज की आपूर्ति शुरू हो सकती है, और दिसंबर एंड तक नासिक का प्याज भी चलना शुरू हो जाएगा।
यदि नासिक की बात करें तो नासिक कृषि उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पर जो प्याज ही नहीं बल्कि टमाटर की भी भरपूर मात्रा में पैदावार हो रही है, और यही वजह है कि मंडियों में नासिक का टमाटर छाया हुआ है। नासिक से जिमीकंद सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है जो 70 रुपये प्रति किलो के आसपास इस वक्त बिक रहा है। और आज सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि सोलन सब्जी मंडी में चीन का लहसुन भी पहुंचा हुआ है, जो 245 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज सोलन सब्जी मंडी में बिका है। हालांकि लोकल लहसुन 200 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है, लेकिन चीन के लहसुन में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और महेश दत्त जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। प्याज और आलू के दाम लेकर हम आए थे कि आज प्याज और आलू किस तरह का रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वैसे तो देखा जाए तो प्याज की कीमतों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन यह प्याज की कीमतें अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि बाजार में प्याज अभी भी 60 से 70 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है। और यही वजह है कि आम आदमी की पहुँच से प्याज दूर हो गया है। और आलू की कीमतें भी यदि हम बात करें तो बाजार में रेटों में और जो सब्जी मंडी के रेट है उनमें भारी अंतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। उसको लेकर उपभोक्ताओं में भी थोड़ा रोष व्याप्त है कि बाजार और मंडी की कीमतों में बहुत ज़्यादा फर्क है, जबकि व्यवस्था इस तरह की कि 25% मार्जिन से अधिक रिटेलर नहीं कमा सकते, लेकिन जिस तरह की कीमतें बाजारों में सब्जियों की है तो उससे तो लग रहा है कि 25% क्या उससे कहीं अधिक मुनाफा इस वक्त मुनाफाखोर कमा रहे हैं, और किसानों को बड़ा कम पैसा मिल रहा है। विशेषकर हम गोभी की बात करें तो 3 से 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोभी मंडियों में बिक रही है, तो किसानों का अपना खर्चा भी गोभी से इस वक्त पूरा नहीं हो रहा है। हालांकि टमाटर के दामों में थोड़ा सा उछाल देखने को जरूर मिला है, लेकिन अब उछाल ऐसे समय पर है जब सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में टमाटर की फसल लगभग अब समाप्त हो चुकी है। थोड़े बहुत किसानों के पास कुछ एक टमाटर बचा हुआ है, वो मंडियों में आ रहा है, लेकिन टमाटर के भाव में थोड़ा सा उछाल जरूर देखने को मिल रहा है। 1000 रुपये के आसपास टमाटर की क्रेट सोलन सब्जी मंडी में जरूर बिक रही है, लेकिन जिस तरह से प्याज के रेटों में उछाल देखने को मिला है उसकी वजह से आम आदमी थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ है। जब लोकल सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्याज चलेगा तो उस वक्त प्याज की कीमतें एकदम कम हो जाती है, लेकिन आजकल नासिक में भी प्याज की फसल समाप्त हो गई है और लोकल प्याज तो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अभी मार्च अप्रैल के आसपास शुरू होगा, तो उस दौरान प्याज की कीमतों में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश से प्याज के आपूर्ति शुरू होगी तो प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, और आप प्रतिदिन हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आभारी हैं, और कोशिश करेंगे कि कल जो सब्जियों की कीमतें होंगी कि किस तरह के भाव रहे हैं और उसके बारे में भी हम आपको जानकारी तो दे ही रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन प्याज के दाम हम बता रहे हैं कि बाजार में क्या रहे हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरह के बाजार में प्याज के रेट रहे हैं, लेकिन अभी सब्जी मंडी के भाव हम बता रहे हैं कि सब्जी मंडी में आज प्याज की कीमतों में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, और बड़े दिनों बाद यह गिरावट हुई है। 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज प्याज के भाव दाम गिरे हैं। सोलन सब्जी मंडी से फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।